मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास. क्लास 6, सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर और पार्ट 2. पार्ट का नाम है वर्ण विचार. वर्ण विचार में हम पढ़ेंगे कि वर्ण की परिभाषा इस प्रकार है कि जो सबसे छोटी ध्वनि होती है, जिसके टुकड़े नहीं की हो सकते, वह वर्ण कहलाती है. इसमें वर्ण के बारे में बताया है. पक्षी चहचहाते हैं और उनके मुख से तरह तरह की आवाज़ यानी ध्वनियाँ निकलती हैं, और सड़क पर स्कूटर, कारें, बसें आदि वाहन चलते हैं और उनसे तरह तरह की ध्वनियाँ निकलती हैं, और इन ध्वनियों का कोई अर्थ नहीं होता. मनुष्य बातचीत करते हैं और उनके मुख से भी अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं, लेकिन मनुष्य के मुख से निकलने वाली सभी ध्वनियाँ सार्थक नहीं होती. और व्याकरण में ध्वनि का अर्थ है वर्ण. और माता इस शब्द में कई ध्वनियाँ हैं, और ये सब माता इस शब्द में कई ध्वनियाँ हैं. ये हैं मैं, आ, ते, आ, माता, पूजा. इसमें पे, ऊ, जे, आ, पूजा ध्वनियाँ हैं, और ये सभी सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं और इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते. ये वर्ण हैं, और वर्ण का की परिभाषा इस तरह से कि सबसे जो छोटी ध्वनि होती है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह वर्ण कहलाती है. और क्रम के अनुसार लिखे वर्णों को वर्णमाला कहते हैं, और वर्णों से ही शब्द बनते हैं. किसी शब्द के वर्ण को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है, यानी वर्णों को अलग अलग करते हैं तो वर्ण विच्छेद कहलाता है. और जैसे हिरण में है प्लस ई प्लस रे प्लस अ प्लस ने प्लस आ, यानी हिरण इस तरह से बोला जाता है, और इसको वर्णों को इस तरह से विच्छेद करके और इसको शब्द बनाया जाता है. और वर्णों के परस्पर मेल को वर्ण संयोग कहते हैं, यानी वर्णों को जो परस्पर मेल यानी मिला करके जो शब्द लिखते हैं उसे वर्ण संयोग कहते हैं. जैसे ने, अ, द, ई, यानी नदी. और वर्णों के तीन भेद हैं. पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन, तथा तीसरा है आयोगवाह. स्वर यानी पहला जो है, जिसमें जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता ना ली जाए और हवा मुंह में बिना रुके बाहर आए, उन्हें स्वर कहते हैं. स्वर में जिसे इस तरह के स्वर हैं, ए, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, ये स्वर हैं हमारे. और स्वर के भेद तीन प्रकार के होते हैं, और पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा है लुप्त स्वर. और इन तीनों में पहला ह्रस्व स्वर के बारे में बताया है कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, यानी जिन स्वरों को यानी बोला जाता है, बोलने पर उनका उच्चारण यानी उन उच्चारण करने पर उनको जो बोलने में समय जो लगता है वो कम लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं. ह्रस्व स्वर भी चार होते हैं. कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री, ये होते हैं चार वर्ण और स्वर. और ख यानी दीर्घ स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से लगभग दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं. यानी ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है तो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं. दीर्घ स्वर सात हैं. कौन कौन से हैं? आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये सात हैं. और गे लुप्त स्वर, यानी लुप्त स्वर के अंदर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से तिगुना यानी लगभग तिगुना समय लगता है, अधिक लगता है, उन्हें लुप्त स्वर कहते हैं. लुप्त स्वरों का उच्चारण मंत्र पढ़ते समय और पुकारने आदि के समय होता है, और जिस स्वर का लुप्त के रूप में प्रयोग होता है
उसके आगे हिंदी की गिनती का 3 लिखा जाता है और इसका अर्थ है कि उसको ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगाकर बोलना, यानी ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगा करके उसको बोला जाता है। जैसे ये शब्द इस प्रकार हैं कि ओम, बिटिया, भैया, बबुआ, दीदी आदि, ये शब्द हैं। और स्वरों की मात्राएं, स्वरों की मात्रा चिन्ह निश्चित है और इन चिन्हों को मात्रा कहते हैं। व्यंजनों को बोलने में और शब्द बनाने में मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, यानी स्वरों को और व्यंजनों को चिन्हों स्वरों का तो चिन्ह के रूप में मात्रा के रूप में कहते हैं और व्यंजनों को बोलने और उन शब्दों को बनाने में मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, यानी जब शब्द बनाते हैं तो मात्राएँ स्वरों की लगाई जाती हैं, उसका मात्रा का प्रयोग किया जाता है। आगे इस प्रकार है किया जाता है। और स्वर और अधिक मात्राएं इस प्रकार हैं। स्वर हैं आ, ए, आ, ई, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, इस तरह से हैं स्वर और इनकी मात्राएं लगाई जाती हैं। व्यंजन दूसरा है। व्यंजन व्यंजन के जिन गुणों का जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है, यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय यानी बोलते समय स्वर की सहायता ली जाती है और हवा जो होती है वो कंठ से निकलकर मुँह में रुककर बाहर आती है, यानी कंठ यानी गले से निकल करके मुँह में रुक करके जब बाहर निकलती है उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के भेद हैं। व्यंजन के 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन के भेद पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंत्यस्थ व्यंजन तथा तीसरा है गय ऊष्म व्यंजन। यानी पहला स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के अंदर जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा यानी मुंह, दांत, होठों आदि से स्पर्श करके मुख से बाहर निकलती है, यानी इन सबको स्पर्श करती हुई मुंह से बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी स्पर्श करके निकलना, छू करके निकलना, और व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से ही होता है। स्पर्श व्यंजन निम्नलिखित हैं, इस प्रकार हैं। जैसे के कवर्ग, के खे गे घे णे, और चवर्ग चे छे जे झे णे, टवर्ग टे ठे डे ढे णे, तवर्ग ते थे दे धे ने, पवर्ग पे फे बे भे मे। और दूसरा है खे अंत्यस्थ व्यंजन, यानी अंत्यस्थ व्यंजन है। इसके अंदर जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है यानी इन दोनों के बीच का होता है उसे उन्हें अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी स्वर और व्यंजनों के जो बीच में जो उच्चारण होता है जिन व्यंजनों का उसे अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन 4 हैं, ये रे ले वे, ये 4 व्यंजन हैं और अंत्यस्थ व्यंजन। और गे यानी ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह से टकरा कर ऊष्मा गर्मी पैदा करती है, यानी जब इन शब्दों को मुंह से बोला जाता है तो उनको मुंह से टकरा कर ऊष्मा यानी गर्मी पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये ऊष्म व्यंजन 4 हैं, वो इस प्रकार हैं शे शे से है, ये 4 हैं। और आगत ध्वनियाँ तथा उनके वर्ण, आगत ध्वनियाँ और उनके वर्ण, आगत शब्द का अर्थ है बाहर से आया हुआ। इस प्रकार आगत ध्वनियाँ से तात्पर्य उन ध्वनियों से है जो पहले हिंदी भाषा में ही थी किंतु विदेशी भाषाओं के रूप में यानी के शब्द आ जाने से के कारण हिंदी में उन्हें अपना लिया गया है। और आगत स्वर यानी अर्धचंद्राकार, अंग्रेजी भाषा के बहुत शब्द हिंदी में आए हैं और वे हिंदी की प्रकृति में घुल मिल गए हैं, जैसे इंटरनेट, वेबसाइट, चिप, मोबाइल, सिगरेट, पेंसिल, चॉकलेट आदि। अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके उच्चारण रूप को लिखित रूप प्रदान करने में परेशानी होती है, और उदाहरण कॉलेज। इस शब्द को ना तो हम कॉलेज लिख सकते हैं और ना ही कॉलेज लिख सकते हैं, अतः इस प्रकार के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए हिंदी में एक अतिरिक्त चिन्ह विकसित किया गया है
इसे अर्धचंद्राकार कहते हैं। अर्धचंद्राकार कहते हैं हैं और इसका उच्चारण आ और ओ स्वर के बीच की ध्वनि का उच्चारण होता है, यानी कि आगत शब्दों के शुद्ध उच्चारण तथा लेखन के लिए हमने आ ध्वनि बना ली। और उदाहरण ये शब्द इस प्रकार हैं, उदाहरण में दिए हैं, जैसे कॉफ़ी कॉफ़ी, हॉल हॉर्स, कॉलोनी ब्लॉग, डॉक्टर बॉल, हॉस्पिटल हॉकी, इस तरह से इनको बोला जाता है। और अर्धचंद्राकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अर्धचंद्राकार के बिना ये शब्द हिंदी में बिल्कुल भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे बॉल को गेंद बोलते हैं और बाल यानी सिर के बाल होते हैं, कॉफ़ी यानी पेयजल होता है और काफ़ी यानी पर्याप्त होता है, और हॉल यानी बड़ा कमरा होता है और हाल मतलब तबीयत, और चौक यानी खड़िया, और चाक कुमार का जो चाक होता है उसको बोलते हैं, कॉल यानी बातचीत करना, और कॉल यानी समय, कॉल मतलब समय होता है, डाल गुड़िया होती है, और डाल मतलब टहनी, और डाली डालना। आगे वाक्य के स्तर पर इस चिन्ह की उतनी उपयोगिता नहीं है जितनी शब्द के स्तर पर, क्योंकि वाक्य में संदर्भ से ही ज्ञात हो जाता है कि किस शब्द का क्या अर्थ है। जैसे इतना चावल मेरे लिए काफ़ी है, काफ़ी को बिल्कुल ठीक है ठीक थी, और मेरी नई बाल लाल रंग की है, और आजकल मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। आगत व्यंजन नुक्ता यानी स्वर की भांति कुछ विदेशी व्यंजन ध्वनियाँ भी हिंदी में अपनाई गई हैं, और ये ध्वनियाँ इस प्रकार हैं, क ख ग ज तथा फ, और इनमें से ज तथा फ ध्वनियाँ अरबी फारसी के शब्दों के अतिरिक्त अंग्रेजी शब्दों के माध्यम से ही हिंदी में आई हैं, जैसे गजेटियर ऑफिसर आदि। नुक्ता इस आगत व्यंजन ध्वनि के शुद्ध उच्चारण एवं लेखन के लिए हिंदी वर्णमाला में परंपरागत वर्णों के नीचे बिंदी लगाकर इसे नुक्ता कहते हैं, और नए वर्ण विकसित कर लिए गए हैं। और परंपरागत वर्ण कौन कौन से हैं, क ख ग ज और फ, नुक्ता लगाकर विकसित किए गए हैं ये वर्ण, क ख ग ज और फ। नुक्ते का प्रयोग अरबी एवं फारसी तुर्की अंग्रेजी भाषाओं के जो शब्द हिंदी भाषा में घुल मिल गए हैं और जिनकी विदेशी ध्वनियों का रूपांतरण हिंदी ध्वनियों में हो चुका है, और वे हिंदी रूप से ही बिना नुक्ते के स्वीकार किए जा सकते हैं, जैसे किला कलम कागज़ फैसला आदि। दूसरा पॉइंट है, किंतु जहाँ उसका शुद्ध विदेशी रूप में प्रयोग आवश्यक हो अथवा उनके उच्चारण का वेद बताना जरूरी हो भ्रांति दूर करने के लिए उनके लिए, वहाँ उनके हिंदी में प्रचलित रूपों में यथा स्थान नुक्ता लगाना चाहिए, अर्थात इन नवविकसित वर्णों से यदि अर्थ में अंतर आता है तो इनका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। जैसे नुक्ते के बिना जो शब्द हैं वो इस तरह से हैं, राज यानी राज्य, और नुक्ते के जो साथ लिखा हुआ है वो राज यानी रहस्य, खुदा यानी खुदा हुआ, और खुदा यानी ब्रह्म यानी ब्रह्मा, ताक यानी ताकना, और नुक्ते के साथ ताक दीवार का आल यानी अलमारी जो होती है, फन यानी सांप का, और फन यानी हुनर। बाघ यानी घोड़े की,
और बाग यानी बगीचा, जरा बुढ़ापा और जरा मतलब थोड़ा, खाना भोजन और खाना नुक्ते लगा करके अलमारी का खाना, यानी जो अलमारी का खन होता है उसको बोलते हैं गज, मतलब हाथी, और गज यानी मीटर के समान माप। और तीसरा पॉइंट है आयोगवाह। आयोगवाह का अर्थ है अ के योग में से अर्थ वहन करने वाला वर्ण। आयोगवाह ऐसे वर्ण हैं जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन ही हैं, किंतु इनका उच्चारण व्यंजनों की तरह स्वरों की सहायता से होता है। अंतर केवल इतना ही है कि व्यंजनों के उच्चारण के बाद स्वर आता है, जबकि आयोगवाह के उच्चारण के पूर्व स्वर आता है। और आयोगवाह दो हैं, पहला है कै अनुस्वार और दूसरा है खै विसर्ग। और कै में अनुस्वार में अनुस्वार का चिन्ह, अनुस्वार का जो चिन्ह है वो बिंदु है, और इसका प्रयोग स्वर और व्यंजनों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे मंगल, आरंभ, अंत और पंडित आदि। खै विसर्ग यानी विसर्ग का जो चिन्ह है वो इसका प्रयोग वर्ण के आगे होता है, जैसे प्रातः, अंतः, पुनः आदि विसर्ग का उच्चारण है की तरह होता है। चौथा है अनुनासिक। जो स्वर मुख और नाक से बोले जाते हैं उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं, और इसका सूचक है चंद्रबिंदु, और जिसे वर्णों के ऊपर लगा देते हैं, जैसे आँख, ऊँट, चांद आदि। जिन वर्णों की मात्रा सिरोरेखा के ऊपर लगाई जाती है और वहाँ चंद्रबिंदु के स्थान पर बिंदु लगाया जाता है, जैसे क्यों, मैं, नहीं आदि। संयुक्ताक्षर हिंदी के चार मानक संयुक्ताक्षर हैं श, त्रय, गय और श्रय। ये दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने हैं। आगे क और श शब्द श बनता है, और श से शब्द बना क्षत्रिय, कक्षा और रक्षा। ज प्लस ण से ज्ञ शब्द ज्ञ बना है, और ज्ञ से ज्ञान, यज्ञ, विज्ञ। ते प्लस र से त्रय, और त्रय से पत्र, मित्र और चित्र। श प्लस र से श्रय, श्रय से श्री, श्रम और श्रमिक शब्द बने हैं। और इनके अतिरिक्त हिंदी में दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बने अनेक संयुक्त व्यंजन हैं, और जिनके बारे में आपकी परीक्षा पिछली कक्षा में विस्तार से पढ़ा होगा, जैसे के, ये, आधा के और ये, क्यारी शब्द बन गया। चे प्लस छः यानी आधा चे और छः से अच्छा शब्द बन गया। और पे प्लस ये, आधा पे और ये से प्यास शब्द बन गया। और से प्लस ते, आधा से और ते से अस्त शब्द बन गया। दे प्लस ये, दे से विद्या शब्द बन गया। और है ने से चिन्ह शब्द बन गया। दे धे यानी दे और धे से श्रद्धा शब्द बन गया। शय ये यानी आधा शय और ये से अवश्य शब्द बन गया। ने ये से ने, आधा ने और ये से अन्य शब्द बन गया। और पे प्लस ते, आधा पे और ते से समाप्त शब्द बन गया। द्वितीय व्यंजन दो समान यानी दो समान व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। के प्लस के बराबर आधा के और क से पक्का शब्द बन गया। ते प्लस ते से आधा ते और पूरे ते से कुत्ता शब्द बना। च प्लस चे से चे और आधा चे, पूरे चे से सच्चा शब्द बन गया। ने प्लस ने, प्लस ने आधा, पूरा ने अन्य शब्द बन गया। जय प्लस जय यानी आधा जय और पूरा जय से छज्जा शब्द बन गया। दे दे, दे आधा दे और पूरे दे से कद्दू शब्द बन गया। और रे व्यंजन के संयुक्त रूप, रे व्यंजन के संयुक्त रूपों की स्थिति निम्नलिखित प्रकार की होती है। के रे में यदि स्वर ना हो और वह किसी अन्य व्यंजन को संयुक्त होता है, तो इस स्थिति में रे अगले व्यंजन के ऊपर रेफ के ऊपर रूप में लिखा जाता है। जैसे रे प्लस ये यानी ये के ऊपर रे लग गया तो आर्य शब्द बना, सूर्य बना। और रे प्लस मैं के ऊपर रे लगा तो कर्म और धर्म शब्द बन गए। रे प्लस कै के ऊपर रे लगा तो तर्क और अर्क शब्द बन गए। खे के अंदर रे व्यंजन यदि स्वर सहित हो और उसमें पहले कोई व्यंजन मिला बिना स्वर का हो,
तो रे पदेन के रूप में इस वर्ण के साथ जुड़ जाता है। जिस तरह से मैं प्लस रे से मैं नीचे रे लगने पर आम्र और धूम्र शब्द बन गया, और पे प्लस रे में पे में नीचे रे लगने पर प्रेम और प्राचीन शब्द बन गया, भे प्लस रे यानी भे में नीचे रे लगने पर भ्रम और भ्रमण शब्द बन गया, गे में ट ठ ड ड के बाद आने वाला स्वर सहित स्वर सहित रे पदेन के रूप में इस प्रकार के चिन्ह से जुड़ता है, टे प्लस रे नीचे टे में रे लगने पर राष्ट्र और ट्रेन और ट्रक तीन शब्द बन गए, और डे प्लस रे में ड्रे में नीचे रे लग गया तो ड्रम और ड्रामा बन गया, और ते प्लस रे नियमानुसार त्रय बनता है परंतु परंपरा से त्रय रूप हिंदी को मिलता है और मानक वर्तनी में दोनों की मान्य है, जैसे दोनों ही मान्य है मात्रा मात्रा त्रिशूल त्रिशूल शय प्लस रे नियमानुसार शय बनना चाहिए परंतु परंपरागत रूप त्रय शय ही मान्य है, और जैसे जिसे श्रीमान शब्द बनता है। अभ्यास के अंदर बताया है कि सही मात्रा लगा करके सार्थक शब्द बनाइए, यानी जो ये शब्द लिखे हुए हैं इसमें मात्रा लगाई हुई है मैंने, और आपको कॉपी में इसी तरह से मात्रा लगा के करना है। और दूसरा क्वेश्चन है वर्ण सहयोग करके शब्द बनाइए, यानी ये वर्ण अलग अलग लिखे हुए हैं और इनको मिला करके बालिका शब्द बना है, और दूसरे में खे में ये वर्ण को मिला के जन्मदिन शब्द बना है, और शय रे ए मैं ई के से श्रमिक शब्द बना है, और घे में गे प्लस री प्लस है ई ण ई से घृणी शब्द बना है, और डे में म प्लस ई प्लस ठ प्लस आ प्लस ई से मिठाई शब्द बना है, च क प्लस उ प्लस आ प्लस चंद्रबिंदु से कुआ शब्द बना है। निम्नलिखित शब्दों के सही वर्ण विच्छेद चुन करके लिखिए, यानी अध्यापिका है तो अध्यापिका का जो सही है वो ख है, और खिलौना का जो इसमें ऑप्शन ख सही है इसको प्रयोग, तीसरा इसमें ख इसका सही है कि प्रयोग इस तरह से विच्छेद करके लिखा गया है, घड़ियाँ चौथा घड़िया में के है, और पांचवे में विज्ञान विज्ञान में खे इसका सही है, और चौथे में निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों से बने शब्दों की तरह दो दो शब्द और बनाइए, जैसे आधा छ और छ लिखा हुआ से अच्छा शब्द लिखा हुआ है तो उससे कच्छ और लच्छा दो शब्द बन गए, और खे में दे और इसका दूध से उद्धार हो गया उद से, और श्रद्धा और आधा पे और से यह से प्याज शब्द बन गया और प्याज बन गया और प्यार शब्द बन गया, और इसमें जिस तरह से मैंने लिखा है आपको कॉपी में वैसे ही करना है। आधा के और यह से क्या शब्द बना हुआ है, इससे क्यों और अधिक्य दो शब्द बन गए, डे इसमें दे दे से विद्या लिखा हुआ है और विद्यालय और उदय दो शब्द बन गए, चय में आधा से और तय है इससे बस्ता शब्द बना है, बस्ता से रस्ता और सस्ता दो शब्द बन गए, आधा पे और तय से गुप्त शब्द बना है इसमें लुप्त और सुप्त दो शब्द हो गए, और जय में आधा से और तय लिखा हुआ है इससे कष्ट शब्द बना है, कष्ट से इष्ट और अनिष्ट दो शब्द बन गए। और नीचे पाँचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित द्वितीय व्यंजनों के दो दो शब्द लिखिए, इसमें बे आधा बे और पूरा वैसे बब्बल शब्द बना है, और आधा पे और पूरे पैसे पप्पन, और ने से अन्न, और आधा टे और टे से टट्टी का, और आधा चे पूरे चे से कच्चा, और आधा ते और तय से कुत्ता शब्द बना है, आधा के और कैसे पक्का शब्द बना है, और ले और आधा पूरे ले से लल्ला शब्द बना है। थैंक यू।